अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज के इस वीडियो में आपके साथ फास्ट के स्टडी लोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी वेबसाइट पे जो आपको जो फास्ट की वेबसाइट पे आपको ईजिली जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट है, आप इसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अब सबसे पहले जो है हम इसकी फॉर्म की बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके हालात जो है वो घर पे नहीं ठीक है, मतलब जिस तरह के उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है, उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी फीस के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये फॉर्म जो है वो उनके लिए है। मतलब इसका जो नाम हमारे पास है बेसिकली वो है हमारे पास कर्ज हसना स्कीम, फास्ट कर्ज हसना स्कीम। तो इसके अंदर ये है कि आपको फास्ट जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, ये आपकी डिग्री तक, जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती तब तक फास्ट जो है वो आपको कंप्लीट इसके लिए जो है वो फीस के साथ रिलीफ देता है। और ये फीस आपकी 50% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 75% भी हो सकती है। ये उस बेस पे होगा कि जब आप उसकी एप्लीकेशन फिल करेंगे और जब आप उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर ये हो जाता है कि आपने जितना भी इसके अंदर सारा प्रोसीजर जो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ आपको ये जो फॉर्म है ये भी आपको फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो इजीली मिल जाएंगे। तो आपने इसको जो है वो अप्लाई कर लेना है और सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करें जो इसके लिए एलिजिबल है। बाकी अगर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो वो फिर हो सकता है कि आगे जाके तो उनके लिए मसला भी बन सकता है। तो आपने वही स्टूडेंट्स आपने सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करें जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह है कि अब फास्ट का जैसे अब एंट्री टेस्ट 30 जुलाई तक मतलब उसका जो रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने से पहले पहले जो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। और ये कि फीस जो आपकी है तकरीबन आपको 1 वीक मिलता है रिजल्ट के बाद फीस जमा कराने के लिए, 1 हफ्ता आपके पास होता है, तो उस 1 हफ्ते के अंदर जो आप ये काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब ये है कि फास्ट के अंदर जो डिफरेंट कैंपस हैं हर कैंपस का जो है वो अलग अलग मेरिट होता है, तो इसलिए जो है आपने मेरिट की बेस पे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल स्कॉलरशिप होती है स्कॉलरशिप के लिए भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एक अलग प्रोसीजर है इसका, ये एक लोन एज ए लोन स्टडी लोन होता है हमारे पास इसका, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो बेसिक आ जाता है हमारे पास जैसे हमने इसके अंदर अप्लाई करना है, तो सिंपल अप्लाई करने का तरीका जो है वो सारा कुछ इसके ऊपर गिवन है, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंपल उन्होंने लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपने किस तरीके से करना है, कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है और लास्ट पे जो आपने इसको साइन कर देने हैं। और उसके बाद जो आपने इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने लास्ट में जो है इसके साथ लेके जाने हैं। और जब आप इस फॉर्म को फिल करवाने जाएंगे तो आप अकेले भी जा सकते हैं अगर आपकी मर्जी, अगर आपने पेरेंट्स में से किसी को लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है सारा। और सिर्फ ये है कि पेरेंट्स को आप वैसे ही लेके जा सकते हैं अगर आप उन्होंने जाना चाहें तो, अगर कोई इशू है तो कोई मसला नहीं, वो आगे मसला नहीं बनता इतना। उसके बाद जो है सबमिट जो आपने अप्लीकेशन करनी है वो डेडलाइन से पहले पहले जो आपने इसके अंदर सबमिट करवानी है लाजमी। उसके बाद जो है वो आपकी रिजेक्शन भी हो सकती है, अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब जो डॉक्यूमेंट जो है वो इसके अंदर कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है सैलरी या पेंशन का सर्टिफिकेट, जो आपका फादर है या गार्डियन है जो भी है, मदर जो भी जिसका भी है वो आपने जो है वो साथ देना। उसके अलावा आपने इनकम टैक्स जो है वो देना है साथ, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो भी फादर का भी दे सकते हैं, किसी भी गार्डियन का जो आप दे सकते हैं जो आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट जो मतलब कर रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, मतलब फादर ही ज्यादातर होते हैं। उसके बाद आपका आता है टेलीफोन बिल्स, अगर आप टेलीफोन अगर आपके घर है तो वो आपने टेलीफोन बिल जो है वो भी साथ लेके आने हैं, गैस के बिल जो है वो लेके आने हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल। और मोस्टली सर मतलब अगर आप इस महीने अप्लाई करें तो आपके पिछले महीने का जो है वो बिल साथ होना चाहिए। और इसके ऊपर ये है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई नहीं प्रोवाइड करनी, वो आगे जाकर लिए आपके लिए फिर मसला ही बन सकता है, क्योंकि फास्ट जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो पूरी करके उसके बाद ही जो है, अब ये है कि आपने इसके अंदर अप्लाई किया तो वो साथ ही जो है आपको बता देगा, ये नहीं कहेंगे कि आपने कल आना है परसों आना है, आपको बता देंगे वो उसी दिन आपको बता देंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब उसके बाद जो है ये तमाम तरीका इसमें अप्लाई करने का है, ये हमारे पास जो है ऑफिशियल यूज है, ये इसको नहीं आपने छेड़ना। अब यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने आना, यहाँ पर अपना नेम लिखना है, CNIC लिखना है, कौन सा कैंपस है वो आपने ऐड करना है, इसके अलावा अपना फास्ट का जो आपने टेस्ट दिया था उसका रोल नंबर ऐड करना है, अपनी डिग्री जो सी प्रोग्राम था वो चूज करना है, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके अलावा ये पोस्टल एड्रेस वगैरह आ जाता है, ये सारी हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री आ जाती है, मंथली सैलरी ऑर्गेनाइजेशन है, डिजाइनेशन है और फ्रॉम 2 मंथ ईयर जो है वो लिखेंगे। और उसके अलावा ये आती है इन्फॉर्मेशन अबाउट मदर, मदर के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आती है, वो सारी आपने इसी तरह जो है वो ऐड करनी है इसके अंदर।
उसके अलावा ये हमारे पास आई थी आपके ब्रदर और सिस्टर जो है वो स्कूल जा रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उनकी एजुकेशन, उनके अलावा उसकी ट्यूशन फीस, एनुअल फाइनेंशियल स्कॉलरशिप वगैरह पे अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी आपने साथ इसके लिए मैंशन करना है। इसके अलावा ये हमारे पास आते हैं ब्रदर सिस्टर की एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ आ जाती हैं, वो आपने इसके अंदर लास्ट में देख लेने हैं। उसके बाद ये आते हैं आपकी फैमिली इनकम जो है वो कितनी है, मतलब मंथली आपकी फैमिली इनकम कितनी है, मदर की कितनी है, फादर की कितनी है, उसके अलावा ब्रदर सिस्टर अगर कोई है तो वो आपके वो कितना कमा रहे हैं, वो आपने साथ लास्ट में मेंशन करना है। साथ सर्टिफिकेट अगर आप तो वो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है इसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह। और उसके बाद आपने अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो आपने उसका भी जो है वो लाजमी सर्टिफिकेट लेकर आना है, क्योंकि अपना वो घर का भी लाजमी मांगते हैं, लेकिन अगर किराए पे आपने लिया हो तो वो भी आपने लाजमी साथ उसका लेके आना है। अब ये हमारे पास आता है फैमिली इनकम वो रेंटल, ये हमारे पास जो आ गया उसका इनकम सर्टिफिकेट हमारे पास आया था जब आप रेंट पे रह रहे हैं, तो ये हमारे पास उसका आया था टोटल रेंट कितना होगा, आप फादर दे रहे हैं मदर दे रहे हैं वो भी साथ आपने मैंशन करना है साथ उसके। अब ये हमारे पास है वेल्थ असेसमेंट, ये हमारे पास जो है वो रेजिडेंशियल है कमर्शियल है वो सारा आपने ऐड करना है। इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है किस तरह की, आपके रेजिडेंशियल है या कंस्ट्रक्टेड है क्या है, उसके अलावा अपना एरिया जो है वो ऐड करना है इसके अंदर, अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू के रिलेटेड आपने, और स्टेटस जो है वो आपने इसका लिखना है साथ। अब इसके अलावा आपने लिखनी है अपनी मोटर व्हीकल्स वगैरह जो है वो कितनी है आपके घर पे, मॉडल कौन सा है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कौन सा है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि ये पूरी तसल्ली करके आपको जो है ये लोन प्रोवाइड करेंगे फास्ट की जो यूनिवर्सिटी वाले। उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट वगैरह आई थी आपके पास, शेयर है, बॉन्ड्स है, डिपोजिट है, गोल्ड वगैरह है, वो आपने इसके अंदर लिखना है। इसी तरह जो है ये हमारे पास सारे एसेट्स आ जाते हैं हमारे पास जितने भी फैमिली के अंदर है वो सारे आपने लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आए थे यूटिलिटी एक्सपेंसेस आए थे अपने, जैसे वो टेलीफोन बिल्स वगैरह के आ जाते हैं, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं। एवरेज मंथली बिल जो है वो आपने ऐड करने हैं इसके अंदर। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो कंज्यूमर नेम नंबर का ऐड करना है, इसके अलावा एड्रेस और एवरेज मंथली बिल आपका कितना आता है वो आपने ऐड करना है इसके अंदर। इसके अलावा ये गैस के बिल के जो है वो भी आपने इसी तरह ऐड करने हैं। अब ये हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल के एप्लीकेंट के सिग्नेचर, वो यहाँ पे ऐड होंगे, उसके बाद ये आपने उन्हीं से उसके बाद करवाने हैं। उसके बाद आती है एप्लीकेंट फादर, अपने फादर के जो है वो सिग्नेचर कराने हैं, मतलब आप जो अप्लाई कर रहा है उसी के फादर के सिग्नेचर हो। उसके बाद ये कुछ इसके अंदर रिकमेंडेशन वगैरह आ जाती है। अब ये जैसे इन्होंने लास्ट में दिया वो लिखा हुआ है कि सैलरी जो है वो, पेंशन का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स का, टेलीफोन बिल्स होने चाहिए, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ये सारे होने चाहिए। अब ये आपके पास टोटल जो है वो 7 पेजेस होंगे, ठीक है, तो ये आपको फास्ट की यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेब पेज से जो है वो इजिली मिल जाएंगे। और जैसे आपको बताया कि सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करें जो इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके अलावा अगर आप किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एंट्री टेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या नेस्ट का जो आगे टेस्ट स्टार्ट होने हैं उसके रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो एक नंबर मिल जाएगा उस पर आप कॉन्टैक्ट करके तमाम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करें ताकि आपको यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड साथ साथ अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।